हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक सुंदर सा डिज़ाइन। और ये जैकेट 3 से 6 साल के बच्चे की है और आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर काफ़ी सुंदर लग रहा है। और मैंने यहाँ पर 5 बटन लगाए हुए हैं और आप चाहें तो पूरे में लगा सकते हैं। और इसका डिज़ाइन देखिए, डिज़ाइन भी काफ़ी सुंदर है। और नीचे भी देखिए, मैंने यहाँ पर बॉर्डर डाला हुआ है और इसकी बाजू मैंने कुछ इस तरह से बनाई है। और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं मैंने इस सुंदर सी जैकेट को किस तरह से तैयार किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 102 चैन बना ली है। और 102 चैन बनाने के बाद हम ये 2 चैन को स्किप कर देंगे और ये तीसरी चैन में फंदा डालेंगे। और यहाँ पर हम इस तरह से ट्रिपल वाला फंदा बनाएंगे, जो इस तरह से बनता है, जो हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको। जो हम डबल क्रोशिया बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, 2 फंदों को एक साथ लेते हैं और इस तरह बनाते हैं। पर हमें ये वाला फंदा नहीं बनाना है, हम डबल क्रोशिया से 3 फंदे वाला बनाएंगे, एक इसमें और एक इसमें, ठीक है। और फिर इसी तरह से पहले हम यहाँ पर 10 फंदे बना लेंगे। तो यहाँ पर 10 फंदे हमने बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 फंदे बनाने के बाद एक चेन ले लेंगे और एक चेन लेने के बाद 2 फंदों को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में डालेंगे, ठीक है। तीसरे वाले फंदे में हम डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया थोड़ा सा फंदा खींच कर इस तरह से बनाएंगे, वापस इसी में डालेंगे और ये, और फिर 1 चेन लेंगे और फिर वापस इसी में ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और ये इस तरह से हमारी रॉ बन जाएगी, ठीक है। एक रॉ बनाने के बाद 1 चेन लेंगे और 1 चेन बनाने के बाद 2 चेन को स्किप करेंगे और तीसरे वाले फंदे में जब हम डालेंगे तब हम अपना वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने इस तरफ बनाया है। डबल क्रोशिया से ट्रिपल क्रोशिया बनानी है इस तरह से, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर 20 फंदे बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने 20 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। और ये बनाने के बाद में हमें वापस से वैसे ही रॉ बनानी है जैसे हमने 10 के बाद में बनाई है। यहाँ पे 2 चैन को स्किप करेंगे और फिर तीसरी वाली चेन में रॉ बनाएंगे इस तरह से। और ये बहुत ही इजी सा, बहुत सुंदर सा डिज़ाइन है, तो इसको ज़रूर बनाइएगा। और वीडियो देखते ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। और इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए, इस तरह से रॉ बनाने के बाद में 2 चैन को स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह से हम यहाँ पर भी 20 क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बना लिया है। यहाँ पर
आपको बस पहली लाइन में ही थोड़ा सा ध्यान देना है फंदों का। तो जो 100 फंदों का हम ये बना रहे हैं तो ये 3 से 6 साल के बेबी के आराम से आएगा, बाकी अदरवाइज़ आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 बनाए हैं, 10 ट्रिपल क्रोशिया के बाद रॉ बनाई है, फिर यहाँ पर 20 ली हैं, 20 ट्रिपल क्रोशिया, फिर रॉ बनाई है, फिर 20 ली हैं, फिर एक रॉ है, और फिर 20 लेने के बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 बार हमें ये रॉ बनानी है। बस हमें पहली लाइन में ही फंदों का बहुत ध्यान रखना है, आगे आगे तो खुद से ही बढ़ता जाएगा। और मैं बताती हूँ कैसे। तो दोबारा में हम यहाँ पर इस तरह से पहले 2 चैन ले लेंगे और वापस से इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। जो पहले के जो जो 10 क्रोशिया बनाए हैं हमने पहले, तो वही बनाएंगे इस तरह। और जो फंदे हमारे बढ़ेंगे मैं बताती हूँ आपको वो कहाँ से बढ़ेंगे आगे आगे। बहुत इजी और बहुत जल्दी से बन जाता है ये, तो एक बार ये ज़रूर बनाइएगा इसको। अब ये 10 ट्रिपल क्रोशिया हमारे बन चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा 10, ठीक है, 10 बनाने के बाद में हमें वापस इसमें से ही एक फंदे को एक और ले लेना है, जिससे कि ये 11 हो जाएंगे। ठीक है, 11 बनाने के बाद में एक चेन ले लेंगे और यहाँ पर वापस से हमें रॉ बनानी है, जैसे कि ये बनी हुई है। हमें रॉ आगे आगे इसी तरह बनानी है, हमें रॉ में कोई फंदा बढ़ाना या घटाना नहीं है, इसी तरह से बना ली। और जो फंदा हमारा बढ़ेगा वो इस तरह से बढ़ेगा, एक फंदा यहाँ बढ़ गया और एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ जाएगा। तो हमें यहाँ से इस तरह से लेना है और वापस एक फंदा एक और इसमें से लेना है। तो 2 फंदे जो हैं वो हमारे यहाँ बढ़ गए थे, और इसी तरह से हमें आगे भी फंदों को बढ़ाना है। तो यहाँ पर 20 ट्रिपल क्रोशिया लेने के बाद वापस एक और इसी में बनाएंगे फंदा, तो इससे हमारा एक जो फंदा है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पर रॉ बनाएंगे, और यहाँ पर इस तरह से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। और हमें जितना भी बड़ा रखना है उतना बड़ा बना लें, बच्चे के साइज़ के हिसाब से भी बढ़ा सकते हैं कि आपको गले का डिज़ाइन, सॉरी गले की जो लेंथ है वो कितनी रखनी है। और इसी तरह से फंदे बढ़ाते जाएंगे और ये बढ़ता जाएगा। तो मैं इसको तैयार करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने इसको पूरा कर लिया है। तो ये वाला जो साइड रहेगा वो हमारा बैक का साइड रहेगा, ये दोनों हमारे शोल्डर का साइड रहेगा और ये दोनों फ्रंट का साइड रहेगा। कैसे रहेगा मैं दिखाती हूँ। इस तरह से ये वाली रॉ और ये वाली रॉ को हम इस तरह से मिला देंगे और इधर वाली को इस वाली रॉ से मिला देंगे। ठीक है, तो आप इसको मेज़रमेंट इंची टेप से भी कर सकते हैं, आप इसको बच्चे के हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 12 रॉ जो है वो बनाई है। 12 रॉ के बाद में मैं डिज़ाइन शुरू करूँगी, मतलब इसको पहले ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए पहले हम यहाँ पर चेन के ऊपर 3 क्रोशिया से तैयार करेंगे। तो हमें इसको कैसे बनाना है, तो यहाँ पर पहले डबल चेन के बाद में 3 क्रोशिया और इस तरह से हम यहाँ तक उसको बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 क्रोशिया से तैयार कर लिया है। और अब जो हमें रॉ के पास बनाना है वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर पहले वापस इसी में एक चेन लेंगे और ये जो हमने 3 क्रोशिया बनाया हुआ है, फिर एक एक स्मर बनाएंगे इस तरह से। और ये
थ्री। इसमें बनाने के बाद में फिर हम एक इसमें तैयार करेंगे और ये डबल, ठीक है। और फिर हम जो आर्म होल है हमारा, ये जो बाजू का साइड है ये रहा, फिर हमने इसको नहीं बनाना है, इसको साइड छोड़ देंगे। और जहाँ तक हमने यहाँ पर इसको तैयार किया है वहीं से हम इसको यहाँ पर शुरू कर देंगे। इस तरह से लेंगे और ये रहा हमारा, ये जॉइंट हो गया। और ये जो रॉ की चेन थी, हमने इस रॉ की चेन के ऊपर सेम बना दिया है। और अब हमें बाकी के इस चेन के ऊपर भी इसी तरह से बनाते जाना है। जो हमारी बैक साइड है उसको भी हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये वाला आर्म होल जो है वो हमने इसको जॉइन करने के बाद बैक साइड जो है वो पूरी बना ली है। और अब ये जो दूसरा आर्म होल है जो हमारे बाजू की साइड है, हम ये दूसरे वाले को भी इसी तरह से जॉइन करेंगे। तो पहले हम ये वाली जो रॉ है इसके ऊपर चेन के ऊपर बना देंगे। तो यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया है, तो पहले हम इसको बनाएंगे। और इसमें से और फिर इसमें से बनाएंगे और इस तरह से बाजू की साइड जॉइन हो जाएगी। और अब ये वाली साइड भी हम इसी तरह से बना लेंगे। और हमारी ये वाली लाइन जो है वो पूरी हो चुकी है। तो अभी हम यहाँ से डिज़ाइन शुरू कर देंगे। तो डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से रहेगा, हमें सिर्फ यहाँ पर एक चेन लेनी है। और एक चेन लेने के बाद फ्रेंड हम यहाँ पर दो चेन को स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में इस तरह से हमें डबल लेना है, ठीक है। तो ये तीसरी चेन में से हम इसको निकालेंगे और इस तरह से बनाएंगे। ऐसे तो हमें यहाँ पर एक ही फंदे से, एक ही चेन में से इस तरह से बनाना है और दो चेन लेनी है। दो चेन लेने के बाद वापस इसमें से ही इस तरह बनाना है। इस तरह लेने के बाद में एक को दो और तीन चेन, दो चेन स्किप करने के बाद हमें तीसरी वाली चेन में इसको इस तरह से जॉइन कर देना है। यहाँ पर एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर फिर यहाँ पर इसको इस तरह से जॉइन कर देंगे। फिर एक चेन ले लेंगे और एक चेन लेने के बाद दो चेन को स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर दो चेन लेंगे और फिर वापस इसमें से थ्री बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह और एक चेन लेंगे और दो चेन को स्किप करके तीसरी वाली चेन में इसको जॉइन कर देंगे। और इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। मैं इसको पूरा करके आपको दिखाती हूँ।
और ये देखिए फ्रेंड, मैंने जो है ना फर्स्ट लाइन इसकी पूरी तैयार कर ली है। और इसको बनाना आपने देखा ही कितना इजी सा था। इस तरह से जो रॉ बन जाएगी हमारी। और जो दूसरी लाइन है हमारी, हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम चेन ले लेंगे। मैंने यहाँ पर चार चेन ली हैं। और चार चेन लेने के बाद फ्रेंड, हमने इसमें डबल फंदा और इस तरह से कर लेना है, ठीक है। और इस तरह, और फिर पहले तीनों को ले लेंगे और फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह। और जोड़ने के बाद में चार चैन ले लेंगे। और चार चैन लेने के बाद फ्रेंड, हमारी जो ये जो रो का ये वाला साइड है, हमें यहाँ इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना है। और ज्वाइन करने के बाद वापस से हम इसमें चार चेन ले लेंगे। और चार चेन लेने के बाद ट्रिपल क्रोशिया से ये दोनों साइड को हम ले लेंगे इस तरह से। और फिर ये वाली जो रॉ है हमारी, इस साइड का ये वाला लीफ है। तो ये डिज़ाइन हमारा लीफ में बन जाएगा। फिर दोनों साइड का लेकर एक साथ इनको निकाल देना है इस तरह से। परफेक्ट। और ऐसे ही हमें इस तरह से चार चेन लेने के बाद ये वाले हिस्से में जोड़ देना है। और फिर वापस से चार चेन ले लेंगे और डबल करके इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया। फिर ये वाला इसके अंदर से हिस्सा निकालना है हमें। ये देखिए, ये जो हमारी ट्रिपल क्रोशिया है, उसके अंदर से क्रोशिया को डालकर निकालना है। और फिर इसके अंदर से निकालना है। फिर ये वाला जो फंदा है ना, इसके अंदर से। ऐसे निकालने के बाद एक साथ इन सबको निकाल देना है। बहुत इजी सा है। तो हमारा डिज़ाइन जो कुछ इस तरह लीफ की तरह बनकर आएगा, जो काफ़ी सुंदर लगता है और बनाने में भी इजी होता है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। ये चार चेन लेने के बाद में इसको हमें यहाँ जोड़ देना है। और फिर से वापस से चार चेन लेने के बाद में इन इधर वाली लीफ और ये वाली लीफ को हमें साथ में जोड़ देना है। तो वो जोड़ना हमें ऐसे ही है, रोक लेंगे। और फिर जब भी आप इसको बनाना शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसको बनाना इजी ही है। तो ये वाली लाइन मैं आपको पूरी करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर डिज़ाइन जो है वो पूरा तैयार कर लिया है। और स्वेटर जो है वो पूरा अच्छे से तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने गले पे बॉर्डर बनाया हुआ है और यहाँ पर नीचे की साइड पे भी बॉर्डर तैयार किया है। ये बॉर्डर मैंने कैसे बनाया है वो मैं आपको बाजू में बताऊँगी। और यहाँ पर एक बाजू भी तैयार की है इस तरह से। और आप देख सकते हैं इसकी जो शेप आई है बाजू की, वो कितनी अच्छी आई है। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी बाजू की मैंने इसको कैसे तैयार किया है। और उस बाजू में ही मैं आपको ये बॉर्डर बताऊँगी जो मैंने यहाँ पर डाला है और यहाँ नेक पर भी डाला है और ये नीचे भी डाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाजू को फ्रेंड हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो उनको हम यहाँ से डालेंगे इस तरह से। और जो बीच का साइड होगा
तो यहाँ पर बीच की साइड से पहले हम दो चेन ले लेंगे और उसके बाद में जैसे हमने नीचे की साइड में ट्रिपल क्रोशिया बनाया है वैसे ही ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर भी यहाँ जो रॉ रह गई है पहले हम इसमें से भी ले लेंगे और इसी तरह से सारी चेन में से ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। एकदम सिंपल है, बाजू को बनाना बहुत सिंपल है और डिज़ाइन भी आप लोगों ने देखा ही, इसको बनाना बहुत ही इजी था। जब आप बनाएंगे तब आपको समझ आएगा कि डिज़ाइन बनाना कितना इजी है, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। और इसी तरह से हम चेन के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, पहली लाइन जो है वो हमने बना ली है और पहली लाइन में हमें कोई फंदा नहीं घटाना है, इसको हमें ऐसे ही बनाना है। इसको ज्वाइन करने के बाद और थ्री चेन ले लेंगे और अब देखिए ध्यान से, अब हम जो फंदा घटाएंगे वो इस तरह से घटाएंगे कि पहले हमें इसको नहीं लेना है और अब एक और फंदा ले लेंगे और अब इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे। अब ये दो फंदों का एक फंदा हो गया है और इसी तरह से हमारा फंदे जो हैं वो कम हो जाएंगे। बाकी का हमें आगे कुछ भी कमियां ज़्यादा नहीं करना है, इसी तरह से बनाते जाना है। और ये देखिए दूसरी लाइन भी है वो हमारी पूरी बन चुकी है और जब ये दो फंदे रह जाएंगे तब हम इन दो फंदों को एक साथ ले लेंगे इस तरह से। और ये दूसरा वाला, अब इन दो फंदों का एक फंदा हो गया है और यहाँ पर जो है ना फंदे कम हो गए हैं, तो इसको ज्वाइन करेंगे और तीन चेन लेने के बाद में वापस से हम यहाँ से दो फंदे करके कम कर देंगे और आगे हमें ऐसे ही बनाना है। और यहाँ पर थ्री लाइन डालने के बाद फ्रेंड हम जाली बनाएंगे और जाली वाली लाइन में हमें कोई फंदा नहीं कम करना है या, और यहाँ पर लेने के बाद एक चेन ले लेंगे और एक चेन को छोड़कर सेकंड वाली चेन में डालेंगे इस तरह से। और एक चेन लेंगे, एक चेन को छोड़ेंगे और सेकंड वाली में डाल देंगे और इस वाली लाइन में हमें कोई फंदा कम नहीं करना है। मैंने बहुत सिंपल सी बाजू रखी है, आप चाहें तो डिज़ाइन भी डाल सकते हैं या फिर इसके अलावा कोई और डिज़ाइन आता हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मुझे सिंपल बाजू ही चाहिए थी तो इसलिए मैंने सिंपल बाजू रखी है, बस इसमें जाली ही डाली है। तो बस इसी तरह से बनाते जाना है। और ये जाली वाली लाइन भी हमारी पूरी हो गई है तो इसको भी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और थ्री चेन लेने के बाद वापस से हमें क्या करना है, हमें दो फंदे कम कर देने हैं इस तरह से यहाँ पे ऐसे, और एक फंदा हमें यहाँ इस तरह से लेना है। और बस चेन वाली लाइन में हमें कोई फंदा कम नहीं करना है, बस ये वाली जो लाइनें हैं और ट्रिपल क्रोशिया वाली इसमें ही हमें दो दो फंदे करके हर बार में कम करने हैं और तीन लाइन ट्रिपल क्रोशिया की डालनी है और एक लाइन जाली वाली की। तो बाजू को तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने बाजू को पूरा कर लिया है, आप चाहें तो इसको इंची टेप से भी मेज़रमेंट कर सकते हैं कि आपको कितनी बाजू रखनी है, कितनी लेंथ रखनी है इसकी। मैंने यहाँ पर पांच जालियाँ डाली हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच जाली के बाद में यहाँ पर मैंने ट्रिपल क्रोशिया से बना लिया है। इसके ऊपर मैं दिखाती हूँ आपको कि बॉर्डर किस तरह से तैयार करना है। पहले हमने यहाँ पर थ्री चेन ले ली हैं, उसके बाद में हमें इसके अंदर से इस तरह से फंदा निकालना है और वैसे ही ट्रिपल क्रोशिया बना देनी है। और एक फंदा हमें पीछे की साइड से लेना है, क्रोशिया को पीछे की साइड अंदर डालना है और इस तरह से बना देंगे। एक फंदा आगे की साइड बनाएंगे और एक पीछे की साइड बनाएंगे, इसी तरह से हम पूरा तैयार कर लेंगे इसको।
जब हमारी फर्स्ट लाइन सॉरी सेकंड लाइन जब पूरी हो जाएगी तब हमें वापस से ही तीन चेन बना लेंगे। और जो साइड हमारी ऊपर की साइड जो निकली हुई है ना, एक साइड फंदा पीछे की साइड है और एक ऊपर की साइड है, तो जो ऊपर वाली साइड है हमें उसको ऊपर ही करना है इस तरह से, और पीछे वाली और फंदे को पीछे ही करना है इस तरह से। और इस तरह से ही हम बना लेंगे। और फिर हमें जितना भी बॉर्डर रखना है, तीन लाइन का, चार का या पांच का, आपको जितना भी अच्छा लगता है आप उतना रख लें। तो मैं इसको पूरा करके आपको दिखाती हूँ।